tell you. मैं गया था एक महीने के लिए दिल्ली में क्लास एक दोस्त के साथ। हम दोनों एक महीने रेगुलर गए, उसके बाद फिर दोस्त ने जाना छोड़ दिया और मैंने भी जाना छोड़ दिया। तब से लेकर अभी 3 साल हो गया। आज मैंने इसको खोला है और साफ किया और मैंने सोचा है कि आज से एटलीस्ट 30 मिनट बैठूंगा इसके साथ और कुछ ना कुछ सीखेंगे ये बुक में से। ये बुक भी मुझे वो सर ने दिया था जहाँ मैं सीख रहा था, तो थोड़ा बहुत एक दो पेज तो सीख लेता, उसके बाद तो फिर भूल ही गया सब कुछ। तो ट्राई करते कुछ ना कुछ सीखने के लिए आज से, अभी से। बल्कि पहले इसको वॉक में लेके जाते। ये देखो, ये देख रहे हो, देख रहे हो, कुछ चला देख रहे हो, ये बहुत टाइम से वॉक में नहीं गया, सो इसको वॉक पे लेके चलते। क्यों हाँ भाई, चले जी, तो मैं वीडियो एडिट कर रहा था अभी, कल अपलोड करना, तो वीडियो एडिट कर रहा था। 9 बज रहा अभी और मैं साथ साथ में काम भी कर रहा हूँ अपना, मतलब ऑफिस वर्क। मैं सोच रहा हूँ कि अभी रनिंग चले जाए, क्योंकि 1 घंटे का ब्रेक है, तो मैं अगर 1 घंटे का ब्रेक मैं टाइमर लगा के भागने चलता हूँ तो आई थिंक विल रीच ऑन टाइम। मैंने और एक और चीज़ सोचा है कि मैंने ये ना, ये जो ऐसे बॉडी में लगाने के लिए होता है, आप गोप्रो को ऐसे यहाँ फिक्स करके, यू नो, यू कैन फिक्स इट इन योर बॉडी एंड यू कैन रन। तो सोच रहा हूँ इसको भी लगा दूँ। मैंने इसको चार्ज तो कर लिया 74% के आसपास, तो लेट्स सी हाउ द क्लिप्स गोज। बट ये ना, इसको कुछ तो फिक्स करवाना पड़ेगा इसका, क्योंकि ना ये यहाँ से टूट गया, तो इसका कुछ तो फिक्स ढूंढना पड़ेगा परमानेंट, ना तो ये ऐसे आवाज आती है ऐसे। एनीवेज, लेट्स गो। 1 घंटे का टाइम है। I ran up a check, I might do it again. Enemies close, had me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. फाइनली घर पहुंच गया, मजा आ गया, मजा आ गया। आफ्टर मतलब बहुत टाइम के बाद तो नहीं, 1 हफ्ते के बाद शायद गया हूँ रनिंग पे, 1 हफ्ता नहीं, 10 दिन के बाद रनिंग पे गया हूँ, तो मजा आ गया। बट एक चीज ने ना इतना इरिटेट किया भाई, इसका मेरे को कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा भाई। पूरे रास्ते मतलब मैंने अभी घर पहुंच के क्लिप्स चेक करे,
तो सब मतलब जितने भी वीडियो क्लिप्स आए सब में इसने इरिटेट करा, इतनी ज्यादा आवाजें निकाल रहा था ना, खट 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 वाली, क्या ही बोलूं। एनीवेज इसका जुगाड़ तो निकालेंगे कुछ ना कुछ, बट मुझे मजा आता है सबसे रनिंग जाने के लिए, ऐसे कुछ अलग ही जोन पे चला जाता हूँ, एक मतलब एक अपना मी टाइम, हेडफोन्स के साथ म्यूजिक के साथ एक मी टाइम स्पेंड कर पाता हूँ। मुझे लगता है जब भी मैं ज्यादा स्ट्रेस होता हो या फिर मुझे लगता है कि लाइफ में कुछ मोनोटोनस हो रहा है या फिर चेंजेस नहीं आ रहे, आई थिंक मोनोटोनस इन, हाँ सेम थिंग, जब भी लगता है मेरे को कि चेंजेस ज्यादा नहीं हो रहे, मोनोटोनस हो रहा लाइफ, तो मैं रनिंग चले जाता हूँ। थोड़ा माइंड फ्री रहता है, स्ट्रेस फ्री रहता है। मुझे बचपन से ही एक्चुअली ये मेरे डैड ने आदत लगा दिया कि जब मैं छोटा सा था तब भी हमें टाइकोंडो क्लास के लिए डाल दिया था। आई थिंक तब मैं फोर्थ या फिर फिफ्थ स्टैंडर्ड में था तब। और तब से लेकर अभी तक भी वो आदत लग गई कि सुबह उठो, अगर नहीं भी उठो तो सुबह मॉर्निंग वॉक जाना, मेन रनिंग पे जाना, अच्छा लगता है वो सब करने में। हाँ तो इसीलिए आई थिंक केसी नाइस और मेरे बीच में यही दो चीज़ें जो सिमिलर है, वो भी वीडियो बनाते हैं, मैं भी यूट्यूब में वीडियो बनाता हूँ, उनको भी रनिंग करना पसंद है और मेरे मेरे को भी रनिंग करना पसंद है। तो हाँ यही था वीडियो, आप भी भागते रहना, अगर आपको बताना मेरे को आप मतलब अगर आप शिलोंग में रहते हो या फिर और आप को जाना पसंद है रनिंग तो कमेंट पे बता देना, चलते दोनों एक साथ। लुक एट दिस क्रेजी गाय मैन, ही इज ड्रंक।